हेलो गाइस, वेलकम टू कमिंस सर्विस एंड वर। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जो डीपीएफ रीजनरेशन टेस्ट कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, आफ्टर ट्रीटमेंट डीपीएफ रीजनरेशन टेस्ट। तो इससे पहले हम आफ्टर ट्रीटमेंट एससीआरटी सिस्टम टेस्ट जो था वो करा, तो इसका वीडियो पहले हम 5655 फॉल कोड के ऊपर डाल चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ डीपीएफ का जो सूट लोड है उसको क्लीन करेंगे आफ्टर ट्रीटमेंट डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर रीजनरेशन पर। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। तो डीपीएफ रीजनरेशन में क्या करना जरूरी है, उसका जो कंडीशन है, कंडीशन क्या ध्यान में रखना है, वो सब बताएंगे। तो वीडियो को फ्रेंड्स लास्ट तक जरूर देखें, और वीडियो को अच्छा लगे तो एक जरूर लाइक करें फ्रेंड्स। सो चलते हैं लैपटॉप की तरफ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो लैपटॉप कनेक्ट कर लिया। करने के बाद ईसीएम डायग्नोस्टिक टेस्ट पर जाकर जो दो नंबर टेस्ट है, फ्रेंड्स आप देख सकते हो आफ्टर ट्रीटमेंट डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर रीजनरेशन, इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो जो इंस्ट्रक्शन दे रखा है, पहला इंस्ट्रक्शन ये जो बोर्ड देख सकते हो फ्रेंड्स, इंस्ट्रक्शन में दे रखा है जो व्हीकल स्टॉप रखना होगा। तो फ्रेंड्स, जो आफ्टर ट्रीटमेंट एक्सर सिस्टम में टेस्ट पर जो कंडीशन अप्लाई होते थे, यहाँ पर भी सेम अप्लाई होगा। पहले गाड़ी को पार्क कर लेना है सेफ जगह पर, और इसका जो पार्किंग ब्रेक है, पार्किंग ब्रेक डाल देना है, और गियर को न्यूट्रल करके आइडियली इंजन को स्टार्ट करके छोड़ देना है। कोई भी ब्रेक, एक्सेलेटर पैडल, क्लच पेडल ना दबाए। तो इसमें दबाने से जो रीजनरेशन प्रोसेस है, डीपीएफ रीजनरेशन, वो फेल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, हम गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद, यहाँ पर स्टार्ट किया करने के बाद यहाँ पर रीडिंग शो कर रहा है। फ्रेंड्स देख सकते हो जो आफ्टर ट्रीटमेंट इंजेक्टर स्टेटस नॉट डोजिंग, अब ये डोजिंग नहीं हो रहा है। आफ्टर ट्रीटमेंट डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर सूट लोड स्टेटस नॉर्मल, यहाँ पर नॉर्मल दिखा रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स, अब आफ्टर ट्रीटमेंट डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर टेम्परेचर देख सकते हो फ्रेंड्स, 168 डिग्री सेल्सियस पर है। और उसके बाद आफ्टर ट्रीटमेंट डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर इनटेक टेम्परेचर जो है वो 114.8 डिग्री सेल्सियस है। तो इंजन ऑपरेटिंग स्टेटस अब स्टेट जो दे रखा है आफ्टर ट्रीटमेंट रीजनरेशन टेस्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, जब स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, मीटर बोर्ड पर जो आरपीएम है, आरपीएम 1100 के ऊपर चला गया, और ये जो हाई एग्जॉस्ट टेम्परेचर लैंप जला हुआ है, और सर्विस रीजनरेशन एक्टिव दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो इस रीजनरेशन में, डीपीएफ रीजनरेशन में जो इसका आरपीएम है ना, 1100 से ऊपर नहीं जाता जाएगा। आफ्टर ट्रीटमेंट एशिया सिस्टम टेस्ट पर 1700-1800 तक आरपीएम चला जाता था, लेकिन इसमें 1100 से के आसपास रहेगा। और जब डीपीएफ रीजनरेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा तो ये ऑटोमेटिकली जो इसका जो आरपीएम का नॉब है, ये नॉर्मल आइडियल स्पीड जितना होगा उतना में आएगा। तो 650 का आइडियल स्पीड है, और फ्रेंड्स ये अब 1100 पे चल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये प्रोसेस कंप्लीट होने में लगभग एक घंटा के ऊपर लग सकता है, मैक्सिमम डेढ़ घंटा लग सकता है। तो एक घंटा में हो जाएगा। तो थोड़ा वीडियो हम स्किप कर लेते हैं, तो क्योंकि एक घंटा का वीडियो यहाँ पर डाल नहीं सकते हैं। तो कुछ कुछ टाइम हमें ऑपरेटिंग स्टेटस पर हमें जो चेंजेस आ रहा है उसमें हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो टेस्ट विल स्टॉप विल रिटर्न टू नॉर्मल व्हेन द पार्टिकुलेट फिल्टर इज सफिशिएंट डिनाइड ठीक है ना। यहाँ पर जो बोल रहा है, जो डीपीएफ पर जो सूट लोड
क्लियर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आरपीएम का नॉब आइडियल स्पीड पे चला आएगा। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर देख सकते हो लास्ट में जो हम रिकॉर्ड किया इस वीडियो में, तो आफ्टर ट्रीटमेंट इंजेक्टर स्टेटस अब डोजिंग दिखा रहा है, उसके बाद जो डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर शूट लोड स्टेटस जो नॉर्मल दिखा रहा है, उसके बाद आउटलेट टेम्परेचर बढ़ गया 540, इंटेक टेम्परेचर 543 और इसके बाद कैटलिस्ट इंटेक टेम्परेचर 300 के ऊपर है। तो फ्रेंड्स ये तो अब ये जो प्रोसेस चल रहा है उसके बाद हम फ्रेंड्स ये जो कंप्लीट हो गया, तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स ये आरपीएम अब डाउन हो गया 1100 से 650 में आ गया और सर्विस रीजनेशन एक्टिव कंप्लीट बता दिया। और हाई एग्जस्ट लैम्प कुछ टाइम के लिए जला रहेगा, तो फ्रेंड्स घबराने की बात नहीं, तो थोड़ा देर वेट करके। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो रीजनरेशन प्रोसेस डीपीएफ रीजनरेशन प्रोसेस जो है जब कंप्लीट हो जाएगा तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मीटर पर फ्रेंड्स दिखाएगा जो प्रोसेस इज कंप्लीट। तो फ्रेंड्स इसका जो आरपीएम है आरपीएम डाउन हो जाएगा और आइडियल स्पीड पर आ जाएगा इंजन। तो फ्रेंड्स जो हाई एग्जस्ट टेम्परेचर लैम्प जो है हेस्ट लैम्प जो है वो जला रहेगा, तो घबराने का कोई बात नहीं है, तो थोड़ा 5-6 मिनट के बाद ये चला जाएगा, चाबी ऑन ऑफ करेंगे गाड़ी स्टार्ट करेंगे फिर से तो ये चला जाएगा। तो फ्रेंड्स घबराने की बात नहीं है। तो फ्रेंड्स वीडियो को अच्छा लगे तो एक जरूर लाइक करना और शेयर करना दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे ही नया जानकारी हम लाते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।